आपको अनलिमिटेड फूड विद अनलिमिटेड पिज्जा भी मिल रहा है। भूख का इलाज करने के लिए आज पहुंच चुके एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको अनलिमिटेड खाना मिलने वाला है। और भाई जहां पर अनलिमिटेड खाना हो आपका भाई ना पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता। सर सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, गुरविंदर जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। और सर क्या बफे में स्कीम लेकर आए हो? सर हमारा बफे सर वेज में 159 रुपीज और नॉन वेज में सर 339 रुपीज। क्या बात है सर, इंक्लूडिंग पिज्जा। परमात्मा की कृपा नाल जी, ते प्लस साडे जेहड़े स्रोते ने सानू जेहड़े प्यार करदे ने उहनां दी कृपा दे नाल असीं जेहड़ी जगह वड्डी कर ली। पहले साडा बफे सीगा अपने अपर फ्लोर ते जी, हुण असीं बेसमेंट च आ गए हैं जी, ते साडे कोल जगह जेहड़ी है वड्डी असीं कर ली है। बफे के बारे में बताएंगे क्या क्या रहने वाला है? सर बफे हमारा यहाँ से सर स्टार्ट है, दही भल्ला, सैलड और फिर सर यहाँ से पूरा वेज सेक्शन। 15 आइटम सर हमारी जो उनसे है वो वेज में है सर। ओके। और उसके बाद सर 4 आइटम हमारी नॉन वेज में है। 159 में हमारा टोटल सर वेज बफे है सर। नॉन वेज हमारा है 339 में। इसके साथ आप सर वेज भी इंक्लूड है सर हमारा, और इंक्लूडिंग सर पिज्जा और ब्रेड्स ऑन द टेबल है सर। तो भाई सर थाली आ चुकी है 159 वाला, आज हम कॉम्बो ट्राई करेंगे, मतलब वेज वाला, नॉन वेज वाले हमारे दूसरे पाजी उनको खिलाएंगे। और सबसे पहले तो ये चेक करना कि यहाँ पर रहने वाले दही भल्ला बढ़िया वाले, मतलब ऊपर जीरा जूरा डालकर अच्छे से दही के साथ दिया गया, और साथ में दी गई है ये चेक करना मीठी चटनी, ये बढ़िया सी मीठी वाली चटनी, मतलब लुक चेक करना बहुत ही अल्टीमेट वाली चटनी है। और ये चेक करना इधर सैलड हम सबसे पहले लेते हैं, प्याज बढ़िया से थिक वाले छोले हैं, प्याज डाला गया, टमाटर डाला गया, बढ़िया सी लुक रहने वाली है। और यहाँ पर तो राजमा लिखे हैं, रहा छोले ऐसा, ये रहने वाले राजमा, लुक चेक करना एकदम क्रीमी क्रीमी, जम्मू के राजमा इसको देखकर याद आ गए हैं। थोड़े से यहाँ पर डालेंगे, थोड़ी सी आज सब्जियाँ ज़्यादा है तो इसलिए हम इधर से शुरुआत करें डालने के लिए। और भाई साहब ये रहने वाली पीली दाल, और भाई साहब ये दाल उनके लिए रहने वाली जो लोग ना मतलब बहुत सिंपल सात्विक भोजन खाना चाहते हैं, मैं दाल में कोई ज्यादा तड़का शड़का नहीं लाया, पर बढ़िया सी लुक क्रीमी लुक लग रही है। आगे बात करूं यार, बढ़िया से पकोड़े डाले गए कड़ी में, ओए होए 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 कट्टे कट्टे, बड़े 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 भाई साहब, लुक अमेजिंग वाली, भूख लगी तगड़े वाली। इसमें भी चेक कीजिए, और रोगन डाला गया भाई ऊपर, मतलब मिर्ची का तड़का लगाया गया भाई, तो लुक अल्टीमेट वाली है भाई। और भाई साहब ये रहने वाले बढ़िया वाले नूडल्स, वेजिस डाली गई है भरपूर मात्रा में, एकदम बढ़िया सी लुक रहने वाली है, खिले खिले रहने वाले हैं, ये चेक करना। और ये हमने डाली यहाँ पर इस कोने में। और भाई साहब आगे बात करूँ, ये रहने वाले हट्टे कट्टे मंचूरियन, ओए होए होए क्या बात है जी, तो ग्रेवी भी एकदम ठीक है, ग्रेवी में ये चेक करना बढ़िया सी हल्की हल्की वेजेस डाली गई है चॉप करके बढ़िया से, और ना इसको खाने का क्या अंदाज है ये चेक करना। नूडल्स के ऊपर ही हम मंचूरियन डालेंगे हल्की सी, और ग्रेवी डालेंगे ये चेक करना, बच्चों के फेवरेट रहने वाले पास्ता, सच लुक बढ़िया टेम्पटिंग वाली है भाई। भाजी देखकर खुशबू कैसी आ रही है? बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रीमी सॉसेस के साथ। ये रहने वाली है इनकी क्रिस्पी वेज चाह वाली है, लुक बढ़िया वाली भाई, इसकी बढ़िया सी हम प्लेट में सजावट करते हैं, ये चेक करना। और भाई साहब ये रहने वाले जीरा वाले राइस, खूब जीरा मतलब और धनिया डालकर मतलब ये तैयार किए गए हैं, और राइस में भी दो तरह के राइस हैं, ये तो सिंपल वाले आपको मिलने वाले हैं, पर चाइनीस लुक में ये रहने वाले इनके वेज फ्राइड राइस, ओए होए क्या बात है, रंगत चेक करना, इसमें मतलब वेजिस डाली गई हैं भरपूर मात्रा में, और चाइनीस का मतलब तड़का लगाया गया मतलब इंडियन राइस को। और आजकल ना पंजाब में लोग ये सब्जी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं, ये खुम्भ की सब्जी है, अभी भी नहीं समझ लगा तो बता दूं मशरूम की सब्जी है, मशरूम भी डाला है, पनीर भी डाला है, ऐसे इन्होंने लिखा है, चेक करना मशरूम और मटर पनीर, पनीर इसमें थोड़ा सा कम है, मशरूम ज़्यादा है, थोड़ी सी इधर हम लेंगे। तो भाई साहब थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ ताकि ना हम आपको टेस्ट करके बता सकें। और आगे बात करूँ, ये रहने वाली इनकी बढ़िया सी मिक्स वेज, बढ़िया सा पनीर वेजिस और बहुत कुछ डालकर ये बनाई गई है, लुक अल्टीमेट वाली रहने वाली है। और भाई साहब इसको भी हम थोड़ा सा मतलब ले लेंगे, मतलब प्लेट लगभग भर चुकी है तो कोशिश खिचड़ी पका दी हमने थोड़ी सी, क्योंकि दो लास्ट की सब्जी जिसको मैं स्किप करना नहीं बनता हूँ, ये है इनकी दाल मखनी, बढ़िया सी दाल मखनी, लुक चेक करना भाई साहब, और एकदम क्रीमी क्रीमी दाल आवाज़ा मार रही है जी, ये चेक करना जी, दाल आ गई जी बढ़िया वाली, क्रीमी सी दाल आ चुकी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कहते हैं ना जान काट ली बमाना, सानू लाभदार पनीर खुआ के जी, बढ़िया वाला टेम्पटिंग सा पनीर रहने वाला, बढ़िया सा मतलब लुक है, और हमने प्लेट में डाल लिया है। तो देखिए भाई साहब वेज का सेक्शन हमारे भाई ने कर ही लिया है, तो बारी आ गई किसकी, नॉन वेज की, जो कि आपके भाई का फेवरेट है, तो चलिए सबसे पहले नॉन वेज करते हैं। ये देखिए आ गया जी चिकन मंचूरियन, अरे यार सबसे पहले देखो कितना बढ़िया लगा। अभी मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि नॉन वेज वाले कौन से और वेज वाले डाले थे वो कौन से है, तो ये देखिए जी
ये आ गया नॉन वेज मंचूरियन, और ये आ गया अब साउथ की डिश है अंडा करी। बंगाल में भी खाते हैं लेकिन पंजाब में भी ये बहुत ही फेमस है। कर्नाटका की वैसे डिश है लेकिन पंजाब में भी ये खाते हैं, अंडा करी, एग करी आ गई जी। तो ये आ गया जी चिल्ली चिकन। ऐसा कोई पंजाबी नहीं जिसको चिल्ली चिकन पसंद नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले आ गया मेरा फेवरेट पीस। तो आगे आ गई अपनी लास्ट डिश चिकन दो प्याजा। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी के साथ, बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, वाह जी वाह क्या बात है। तो ये देखिए जी इसको भी हम टेस्ट करेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करते हैं। तो चलिए प्लेट होगी रेडी, स्टार्ट करते हैं। और थाली हमने सजा ली है, ब्रेड्स ऑन द टेबल और पिज्जा ऑन द टेबल आपका सर्व किया जाएगा। पिज्जे की आपको लुक दिखाता हूँ भाई, बढ़िया वाली टेम्पटिंग वाली लुक है। पिज्जे के ऊपर चीज बढ़िया से पाया गया यार, ये चेक करना, मतलब अल्टीमेट। और यार शूट करते करते हल्का सा ठंडा हो जाता है, आपको पता है यार आपके पास फोटो क्लिक करनी होती है। तो इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लो अभी तक जिन्होंने नहीं किया। और इधर आपको ब्रेड्स जो मिलने वाली है वो उसकी रंगत दिखा देता हूँ। तो आगे आओ थोड़ा सा ये चेक करना जी, इनकी मिस्सी रोटी जो पंजाब में सबसे ज़्यादा लाइक की जाती है, और उसके नंबर आगे आता हूँ ये है लच्छा परौंठा। लच्छे परौंठे के बिना ना मतलब पंजाब अधूरा है। और आगे सिंपल बटर नान, मतलब बटर नान है और सिंपल रोटी भी इनके पास अवेलेबल है। तो सब कुछ अवेलेबल है, चार तरह की ब्रेड्स में ऑप्शन है, पिज़्ज़ा की ऑप्शन है, और सब वेजिस को मिला के मतलब वेज में आपको कम से कम 20 आइटम आपको मिलने वाली है, और नॉन वेज की 5 आइटम और इंक्रीज कर दो तो 25 आइटम आपको मिलने वाली है, बढ़िया वाली। तो स्टार्ट करते हैं बफे। सबसे पहले तो ना भाई ये ना जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, फोक लेना भूल गए तो वैसे चमचे से भी खा ही लेते हैं यार। नूडल्स एंड मंचूरियन का जो मिक्स करके जो फ्लेवर बनता है ना उम्दा। तो मंचूरियन का हल्का सा थोड़ा ये चेक करना, तो हल्के से मतलब ये चेक करो कि हाथों के साथ टूट गया मंचूरियन। और ऊपर ये चेक करना, थोड़ा सा नूडल डालेंगे, बढ़िया सी बाइट रेडी करेंगे। ये मंचूरियन की ग्रेवी के साथ, मंचूरियन के साथ इतना अल्टीमेट फ्लेवर आता है, मतलब बात ही मत पूछो। और ये आगे इनकी क्रिस्पी वेज लुक बढ़िया वाली, और ट्राई करते हैं। जो चाम की क्वालिटी है मतलब एकदम बढ़िया वाली है। तो मतलब स्टार्टर्स में पूरा पूरा बच्चों का ध्यान रखा गया है, पास्ता भी है, नूडल्स हैं, मंचूरियन है, और भाई साहब फ्राइड राइस भी हैं, वो भी मतलब अल्टीमेट लुक वाले। बट अब स्टार्टर्स में एक लास्ट आइटम जो रहने वाली है ये ट्राई करेंगे हम, पिज्ज़ा। और ये वो वाला पिज्जा जो आपको स्ट्रीट पर मिलता है, कोई ब्रांडेड पिज्ज़ा टाइप नहीं है, मतलब जिसके ऊपर मतलब ब्रेड ली, बेस लिया, उसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लाई और उसके ऊपर वेजिस डाली और मोज़रेला चीज़ डाली और बेक कर दिया। और पाजी आपको कौन सी रोटी पसंद है यार, मिस्सी या मतलब लच्छा? मिस्सी, बट हम फिर लच्छे वाला करेंगे, मिस्सी से आप करना फिर। ये भाई लच्छे में अच्छे वाले लच्छे आ चुके हैं भाई, चेक कर रहे हो, कमाल, गिनती में चार चार लच्छे, एकदम बढ़िया से क्रिस्पी लिख रहा है। अरे भाई एक चीज हम मिस कर गए, वो है चावल। चावल के साथ दाल का जो कॉम्बिनेशन है ना बढ़िया वाला रहता है। पर पहले हम दाल फिर ऐसे ट्राई करते हैं, थोड़ा सा दाल के साथ इसको बाइट को हमने लबेल लिया है। तो कमेंट करना आपको दाल रोटी के साथ पसंद है या मतलब राइस के साथ पसंद है, क्योंकि हर बार क्या होता है राइस के साथ खाता हूँ, पर इसके साथ जो करना चाह रहा है ना इसका, और जो फ्लेवर बैठ रहा है हल्की सी स्पाइसी है, बट जो फ्लेवर बैठ रहा है इसके साथ बढ़िया वाला बैठ रहा है। तो राजमा स्किप नहीं करने बनते भाई, इसमें हल्की हल्की स्पाइसी टच रहने वाला है। और इसमें प्याज और टमाटर डालकर ये बढ़िया से छोले बनाए अमृतसरी। और भाई साहब छोले बहुत बढ़िया वाले, एकदम क्रीमी मखमली, मुँह में जाके पूरे घुल गए। तो थोड़ा सा आगे आओ, मेरी जान और आन और बान और शान, मतलब पंजाबियों की सारे की जान, पनीर लबाबदार, और इसको हम ट्राई करेंगे। और भाई साहब बढ़िया सी बाइट रेडी है। और पाजी आगे आओ थोड़ा सा, ये दिखाऊंगा भाई साहब, ये चेक करना, पनीर बड़े मखमली हाथों के साथ टूट रहा है, एकदम सॉफ्ट सा पनीर है, ये चेक करना, मतलब बढ़िया सा लुक है पनीर का, बढ़िया सा पनीर का फ्लेवर है। तो भाई साहब नॉन वेज सेक्शन की बारी आ गई, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिस्सी रोटी के साथ। ये किससे स्टार्ट करूँ, चलिए चिकन दो प्याज़ा स्टार्ट करते हैं। ये आ गया जी चिकन दो प्याज़ा, थोड़ी सी ग्रेवी ये लीजिए, एकदम मखमली क्रीमी सा टेक्सचर है, हल्की सी स्पाइसी है, बढ़िया है, जैसे कहते हैं ना कढ़ाई पनीर खा लिया, पनीर की जगह पे चिकन डाल दिया, ऐसा टेस्ट है दो प्याज़ा। तो अगला आ गया जी एग करी, तो ये पहली बार लेते हैं, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर है, बढ़िया है, एक बार तो ट्राई करनी बनती है यार। तो भाई मंचूरियन को भी आप मतलब रोटी के साथ ट्राई कर रहे हो, पहली बार आपने किया था ना पिछली बार पिज्ज़ा पनीर के साथ। तो ये आ गया जी पंजाबियों की आन बान और शान,
चिकन लेग पीस, तो ये देखिए बढ़िया लग रहा है, तो इसे भी ट्राई करते हैं। बहुत ही कमाल है, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया है, बच्चा भी खा सकता है इसे मेरे साथ। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है, हम पहले भी आ चुके हैं, हम दोबारा मतलब हर बार आते हैं जब, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भाई साहब बफे ट्राई कर आ चुके, बहुत ही बढ़िया सा बफे रहने वाला है, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो मेरे जैसे बुखड़ है, और मतलब फूडी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और प्राइस बता दूं 159 में वेज रहने वाला है, और 339 में आपको नॉन वेज मिलने वाला है। और भाई साहब लोकेशन की बात करूँ, जलंधर में PPR मार्केट में आपको आना है, अर्बन अंगीठी वालों के पास। दी अर्बन अंगीठी वाले आपको बढ़िया सा बफे खिलाएंगे, और मतलब जीजे जैसे मतलब सत्कार देंगे, मतलब आओ भगत पूरी अच्छे से करेंगे, और हम ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल।